साबूदाना खिचड़ी के लिए हमें चाहिए सबसे पहले साबूदाना। अभी साबूदाना जो है बहुत सारी वैरायटीज़ का आता है, बहुत सारे शेप का, बड़ा छोटा आता है, तो आपके पास जो अवेलेबल हो आप ले लें। मैं आपको एक मेथड बताता हूँ इसको सोक करने का, बट आपको अपने साबूदाना के हिसाब से उसको अडेप्ट करना होगा। सबसे पहले साबूदाना को आप अच्छे से वॉश कर लीजिए, इसके ऊपर का जो स्टार्च रहता है उसे हम अच्छे से 2-3 बार धो के निकाल लेंगे, क्योंकि वो स्टार्च का निकालना बहुत ज़रूरी है, अनलेस साबूदाना ठीक से सोक नहीं होगा। एक बार स्टार्च निकल जाए उसके बाद आप इसमें जो है इसको बाउल में लेवल करके पानी डाल दीजिए, और पानी आप इतना डालिए कि मतलब आधा इंच पानी ऊपर हो। साबूदाना लेवल करने के बाद करीब आधा इंच पानी ऊपर हो। जनरली 1.5 से 2 घंटे में ये फूल जाता है, सोक हो जाता है, बट अगेन साबूदाना की क्वालिटी पे, अगर नहीं सोक हो तो आप फिर पानी जो है वो ऊपर नीचे करके एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने सोक करके जो है करीब 1.5 घंटा हो गया है, उसके बाद मैं इसे चेक कर रहा हूँ। बेसिकली आपको चेक ये करना है कि साबूदाना प्रेस करने से वो क्रश हो जाए, मतलब एकदम पाउडर, एकदम पेस्ट जैसा नहीं बनना चाहिए, बट थोड़ा मतलब ईजिली क्रश हो जाए। इसका मतलब है कि आपका साबूदाना जो सोक हो गया है, तो अभी 1.5 घंटे में ही मेरा साबूदाना सोक हो गया है, तो मेरा थोड़ा पानी एक्सेस है, तो मैं इसको पानी को स्ट्रेन कर दूंगा। अगर आपका साबूदाना सोक नहीं हो तो आप थोड़ा थोड़ा पानी डाल के उसको आधे घंटे या 1 घंटे के लिए और रख दें, जिससे वो प्रॉपरली सोक हो जाए। बट साबूदाना का मुलायम होना बहुत ज़रूरी है अच्छी खिचड़ी के लिए। साबूदाना सोक होने के बाद हमें मूंगफली पीनट्स जो हैं उसे ड्राई रोस्ट करना है। तो मैंने 3 कप साबूदाना के लिए ये करीब 2 कप पीनट्स लिया है। मेरे पास ये डी स्किन पीनट्स अवेलेबल थे शॉप में। अगर डी स्किन पीनट्स अवेलेबल नहीं हो तो आप रेगुलर पीनट्स जो हैं उनको आप रोस्ट करके उसका छिलका या स्किन निकाल लीजिए, दोनों इक्वली अच्छा है इसको। बट हम मीडियम फ्लेम पे आराम से पेशेंटली इसको हम रोस्ट करेंगे। इसको करीब 5 या 6 मिनट लगता है, आप पेशेंटली इसको रोस्ट करते रहें। एक बहुत अच्छा जब नटी फ्लेवर आ जाए, रोस्ट हो जाए, उसके बाद हम फ्लेम को ऑफ करके इसको ठंडा कर लेंगे, और उसके बाद हमें इसे क्रश करना है। ठंडा होने के बाद हम इसको मिक्सर ग्राइंडर में लेके क्रश कर लेंगे। आप मेक श्योर करें कि इसको क्रश ही करें, एकदम फाइन इसका पाउडर नहीं बनाएं, जिससे अगर आप एकदम फाइन पाउडर बना देंगे तो साबूदाना खिचड़ी खाते वक्त वो मुंह में नट की बाइट नहीं आएगी। इसलिए मेक श्योर करें कि आप इसे बहुत ही कम ग्राइंड करें और जस्ट थोड़ा सा क्रश कर लें, ताकि जो मूँगफली के दाने हैं वो 4-5 भागों में टूट जाएँ और अच्छे खड़े खड़े दाने रहें। अब हमारा जो सोक किया हुआ साबूदाना है, इसमें अगर आपका पानी एक्सेस है तो आप इसको पानी निकाल लीजिए स्ट्रेन करके, लेकिन मेक श्योर करें कि इसमें पानी नहीं रहे। तो सोक किया हुआ साबूदाना में हमने जो क्रश ग्राउंडनट थी वो डालेंगे, और 1 से 1.5 चम्मच रेड चिली का पाउडर डालेंगे जस्ट कलर के लिए, और उसके बाद इसको मिक्स कर लेंगे, जस्ट जेंटल मिक्स कर लेंगे, और फिर हम इसका कुकिंग का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। इसको कुक करने के लिए हम एक थोड़ा बड़ा पैन लेंगे, और बड़े पैन में हम ऑयल या घी गरम कर लेंगे। मैंने घी लिया है, अबाउट 2-3 टेबलस्पून घी। गरम हो जाए तो उसमें हम डालेंगे जीरा। एक बार जीरा क्रैकल होने लगे उसके बाद हम इसमें डालेंगे ये फाइनली स्लाइस्ड ग्रीन चिली अबाउट 2-3, और करी लीव। चिली और करी लीफ को भी ऑयल में थोड़ा क्रैकल होने देंगे, और उसके बाद हम डालेंगे एकदम थोड़ा सा बारीक कटी हुई जिंजर। कटी हुई जिंजर 10 सेकेंड सॉटे होने के बाद हम इसमें डालेंगे बॉइल्ड डाइस्ड पटेटोज। ये पटेटो को हमको करीब 1 या 2 मिनट तक फ्राई करना है, जब तक ये थोड़े गोल्डन ना हो जाएं। ये पटेटो को ऐसा घी में फ्राई करने से एक बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, जो टेस्ट खिचड़ी को बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट करता है। एक बार ये पटेटोज जो है हमारे थोड़े गोल्डन हो गए और थोड़े से फ्राई हो जाएंगे, तो इसके बाद हम इसमें डालेंगे हमारा साबूदाना, और जो मूंगफली का जो हमने मिक्सर बनाया है वो हम इसमें डाल देंगे, और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और मीडियम हीट पे 1 या 2 मिनट तक कुक करेंगे। इसको 1 या 2 मिनट अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें अबाउट 1 या 2 टेबलस्पून पानी जो है उसको स्प्रिंकल कर देंगे, और फिर हम इसको ढक के 2 या 3 मिनट के लिए पकाएंगे। इससे क्या है, जो फ्लेवर वगैरह है और जो साबूदाना जो है वो एकदम अच्छे से सॉफ्ट और कुक हो जाएगा, और सारे फ्लेवर अच्छे से मिक्स हो जाते हैं।
तो ये 1 या 2 मिनट पानी डाल के पकाने से इसको एक अच्छा मॉइस्चर भी मिलता है और कुकिंग में बहुत हेल्प करता है। जब ये ढक के 2-3 मिनट पक जाए उसके बाद हम ढक्कन खोल के इसे थोड़ा हाई हीट पे अबाउट 1 to 2 मिनट के लिए पकाएंगे, जिससे इसमें एक बहुत ही अच्छा टोस्टी फ्लेवर आता है। साथ ही साथ हम डालेंगे इसमें सीजनिंग, सॉल्ट एज पर टेस्ट, ग्रेटेड कोकोनट डालेंगे, मैंने अबाउट 1 कप ग्रेटेड कोकोनट लिया है, इसको डालेंगे, जूस ऑफ 1 लेमन एंड थोड़े से फ्रेशली चॉप्ड कोरिएंडर। आप चाहें तो इसमें एक आधी चम्मच शक्कर भी डाल सकते हैं, उससे भी अच्छा टेस्ट आता है, बट दैट इज़ ऑप्शनल। ये सब डालने के बाद हम इसको एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे और आपकी ये बढ़िया साबूदाना खिचड़ी एकदम रेडी है। ये देखिए कितनी एकदम स्टिकी नहीं हुई है और अच्छे से पक भी गई है। सो प्लीज़ फॉलो दिस रेसिपी एंड एंजॉय साबूदाना खिचड़ी।